हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता, इस सुंदर से रात्रि भर पिता आप हमें सुरक्षित रखेंगे। जैसे आपने सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, वैसे ही पिता आप हमें सुबह तक सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और धन्यवाद करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर एक एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए इस सृष्टि पे आया। और वो कैसे होगा? आज यदि हमारे जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं लग रही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इसे कैसा पूरा करोगे? आज अपने जीवन से बीमारियां कैसे निकालोगे? तो परमेश्वर ने कहा कि तुम पहले यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसे अंगीकार करो। क्या आज कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसे अंगीकार किया है? सही मायने में प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन क्या कोई परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण किया है, उसे अंगीकार किया है? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो आज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हालेलुया धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर को अंगीकार करना, यीशु मसीह को अंगीकार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज मनुष्य इंकार कर देता है कि हम क्यों ग्रहण करें, उसने हमारे लिए क्या किया है, उसने वो आपके लिए किया है जो आप कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं कि दूसरा इंसान आपके कोई साथ कर सकता है। आप किसी पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे भी यदि या कुछ भी घंटे रहते हों, उनसे आप यदि कुछ मांग कर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ना मिलेगा। बहुत कम लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बिना मांगे ऐसा कुछ दे दिया है। इस संसार के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसने अपना जीवन दे दिया कि दी जो मेरे नाम से प्रार्थना करेगा, मुझके जो मेरे नाम से अंगीकार करेगा, प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, मैं उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर मत्ती अध्याय 10:32 में लिखा है और 33 में यहाँ पे लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो के 10:9 में लिखा है कि यदि तूने अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, ये बहुत बड़ी गुप्त बातें हैं मेरे प्रियो। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा इस सृष्टि पर, वो हमारे पापों और गुनाहों के लिए मरा, और हम प्रभु को यीशु मसीह को यानी जानते हैं और ग्रहण करते हैं कि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, तो हमारा निश्चित उद्धार होगा। हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज हम संसार के सामने रोते हैं, भाई मेरी मदद कर दो, बहन मेरी मदद कर दो, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे के खाने के लिए पैसे नहीं है। क्यों संसार के आगे हाथ फैलाते हो? मांगना हो तो उससे मांगो जो समुंदर है, जो कभी कुछ नहीं कमी होगी ना कोई घटी होगी, जो कभी उलांगना नहीं देगा। संसार से आप 10 रुपए ले लेंगे तो आपकी वो क्या कहेगा? 4 आदमी से कहेगा कि मैंने उसे 10 रुपए की मदद की। लेकिन संसार वो सागर है, वो प्यार है जो आपको देता चला जाएगा, लेकिन कभी इनकार नहीं करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपको बचाने के लिए आया इस संसार में। लेकिन आज हम उसको क्या करते हैं? नहीं ग्रहण करेंगे। हम क्यों माने प्रभु यीशु मसीह की बातों, क्यों माने उसके वचन को, क्यों सुने? ये मन में आज हमारे सवाल रहता है, हम क्यों प्रार्थना करें परमेश्वर से? क्या परमेश्वर हमें देता है? आज थोड़ा सा आपका छोटा सा काम नहीं हुआ, क्या आप जानते हैं क्यों नहीं आपका काम हुआ, क्यों नहीं सफल हुआ? क्या आप जानते हैं बीमारी आपकी क्यों नहीं ठीक हुई? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो समय नहीं है। इस तरीके से उपदेश का अध्याय 3 में कहता है कि परमेश्वर ने कहा धरती आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय है निर्धारित मैंने किया है। तो जब परमेश्वर का वचन कहता निर्धारित किया है, हर एक चीज का समय है, जब आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में क्यों होगा?
वो क्यों होगा भाई, कैसे पूरा होगा जब परमेश्वर की योजना में है ही नहीं है, तो वो कैसे आपकी जिंदगी में पूरा होगा। और आप कहेंगे परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं इस मसीह को नहीं जानता हूं, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ये बात आप सोचते हैं, परमेश्वर नहीं सोचता है। ये बात आपके दिल में आती है, परमेश्वर तो आपसे प्रेम करता है, आज भी करता है, आने वाले वक्त में करता रहेगा। आपको आशीष चाहिए तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको बरकत चाहिए तो आपको परमेश्वर से मांगना होगा, आपको ज्ञान चाहिए तो परमेश्वर से मांगना होगा, बुद्धि चाहिए तो मांगना होगा, हर एक चीज परमेश्वर से, ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य का धन दौलत शौहरत नाम, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर देगा। लेकिन क्या मांगते हैं, क्या परमेश्वर की योजना में अभी है या नहीं, कि ऐसे ही आप चिल्ला रहे हैं। परमेश्वर से कहिए कि खुदावन अपने दिल से प्रार्थना और विनती और निवेदन करता हूँ, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि मरुमे हुए से तीसरे दिन परमेश्वर हमारा जीवित हुआ, जिंदा हुआ, और उसके नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता आज मेरे घर से समस्या चली जा, ये बीमारियां खत्म हो जा, ये पैसे की समस्या खत्म हो जा, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो परमेश्वर हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है, क्योंकि क्या गुप्त रूप से विश्वासी बना रहना संभव है। ऐसे विश्वासी जो खुले रूप में यीशु मसीह का अंगीकार ना करें, हाँ प्रकट रूप में थोड़े समय के लिए संभव है, जैसे यूहन्ना 19:38 में लिखा है, अमर्त्याह का यह यूसुफ एक गुप्त विश्वासी था, परंतु बाद में उसने यीशु मसीह के शव को मांगने के लिए द्वारा खुले रूप में यीशु मसीह का अंगीकार किया। ये बात हमें याद रखना चाहिए कि जिसने अमर्त्याह यूसुफ एक व्यक्ति था जो कि पहले विश्वास करता था गुप्त रूप से, लेकिन जब यीशु मसीह का शव यानी शरीर का जो प्रभु यीशु मसीह को सूली पे लटका दिया गया था, और उसके बाद क्या हुआ, वो शरीर लाश को मांगने के लिए पहुंचा यीशु मसीह का, और उसके बाद वो खुले मन से ग्रहण किया, सामने लोगों के सामने ग्रहण किया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह को अंगीकार करता हूँ और मानता हूँ। उसने किया। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप किसी दबाव में आकर के विश्वास ना करें, विश्वास करते हैं लेकिन किसी खुले मन से ना करें, लेकिन आप गुप्त मन से करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, और आपके घर में आपका दबाव, आपके घर के लोगों का दबाव है आपके ऊपर, लेकिन कुछ समय के लिए है, परमेश्वर उसे प्रकट करेगा, एक दिन सारे लोग मिलकर के आप महिमा करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, अनिवार्य है, ये बातें अनिवार्य है, हर एक चीज आपकी जिंदगी में पूरा होगा। मांगने के लिए जब वो द्वारा खुले रूप से यीशु मसीह का अंगीकार किया तो हमेशा के लिए गुप्त विश्वासी बना रहा, असंभव है, क्योंकि मत्ती 10:33, 33:10, रोमियो 10:9 में लिखा है कि अनिवार्य है प्रार्थना परमेश्वर से, क्योंकि हृदय से विश्वास करना जो कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता के ग्रहण रूप में ग्रहण करता है, वह अपने मुंह से यीशु मसीह को ग्रहण करे और माने कि हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। यीशु ने कहा, हे यीशु, जब यहाँ पे लूका 23:42 में लिखा है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी शुद्धि लेना। दमिश्क के मार्ग पर पौलुस ने यह भी पूछा, प्रेरितों के काम 9:5 में लिखा है, हे प्रभु तू कौन है। 1 कुरिन्थियों 12:3 में लिखा, और ना कोई परमेश्वर वचन कहता है पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। आज हमें क्या करना है, विश्वास करना है, आज हमें खुदा हमारी जिंदगी में काम करने के लिए आए। हालेलुया। तो यीशु मसीह को ग्रहण करिए, अंगीकार करिए, विश्वास करिए कि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं, आज हम हर प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था, याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया, उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्यों। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के, 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया,
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बेटे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलता से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहां पे हैं कहां नहीं हैं, लेकिन इस समय जहां भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है, आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है, आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा इस मसीह के नाम से, आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपके आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।